आगे खोलो। तुमने हमसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। प्लीज आगे खोलो। आप हमारे साथ फिर से ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप ऐसा हमारे साथ। प्लीज हमारे वीर को वापस कीजिए। वापस कीजिए हमारे वीर को। प्लीज 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 आगे खोलो। वीर आगे खोलो। देखो हम तुम्हारे पास आ गए। शादी होने से पहले हम तुम्हारे पास आ गए। वीर आगे खोलो। आई लव यू वीर। लगे क्यों ऐसा सौ दफा तू है यहाँ। आँखों में तेरी डूबता जाए ये फिर आया क्यों नहीं अब तक? कहाँ रह गया? दूल्हे को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकल रहा है। शिवानी तुम्हें पता है वीर कहाँ है? पता नहीं कहाँ चले गए, हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। शिवानी आप दोनों के बीच कोई अनबन हुई है क्या? लॉरी बाप ना कान खोल कर सुनो तुम। वो जिला टापर जब तक है ना भूल जाओ कि तुम्हारी शादी हो सकती है डॉक्टर बाबू से। अरे वो तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, वो तो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा से प्यार करता है, समझी? क्या हुआ उस लड़की का? मैडम लड़की बच गई। काम गड़बड़ हो गया था। एक्चुअली क्या करूं मैं? ओह नो, वीर इज डेफिनेटली विद हर। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? मम्मी जी ना वीर है ना कृष्णा, पूछिए इस वेडिंग प्लानर को कि क्या है इनका प्लान। कहाँ है इसकी बहन? कहाँ ले गई है वो हमारे वीर को? कहाँ है वो? हम यहाँ हैं। आप सब ये क्या हो गया? कैसे लगी इतनी चोट आपको? उस दिन जब तुम मुझे अचानक छोड़ के चली गई थी ना, उस दिन से लेकर आज तक रह रही हो। जानती हो क्यों शिवानी? You know why? क्योंकि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती।
लेकिन फिर भी कहीं किसी कोने में ना मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा हूं, शायद तुम बदल गई होगी। लेकिन तुमने मुझे सही प्रूफ कर दिया शिवानी, और उस दिन तुमने मुझे सही प्रूफ कर दिया जब तुमने किसी ना किसी बहाने से ना कृष्णा के खिलाफ प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी, उसको इंसल्ट किया, उसको गाली दी, और आज तुमने सबके सामने मुझे सही प्रूफ कर दिया। डॉक्टर साहब, ये पहेलियों में क्यों बात कर रहे हैं? खुल के बताइए ना, बात क्या है? शिवानी, क्या कह रहे हैं ये? मम्मी जी, ये सब इसका किया हुआ है। यू ब्लडी गांव वाली, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यू सॉ तक बस तुम बोलती नहीं और हम सुनते रहे, पर आज ऐसा नहीं होगा शिवानी। आज तुमने सारे लिमिट क्रॉस कर दिए। तुम हमें परेशान करने के लिए इसे कुछ कर रही थी ना, पर आज तुम्हारी वजह से हमारे वीर की जान जा सकती थी। तुम हमें मारना चाहती थी ना उस गाड़ी से, पर हमें बचाने के चक्कर में वीर उस गाड़ी की चपेट में आ गए। समझ में आया कि नहीं तुम्हें? कृष्णा, क्या बोल रही हो? झूठ, सरासर झूठ। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। हेलो मैडम, सॉरी आपने गुस्से में फोन काट दिया, एक मौका और दे दिए, इस बार उस लड़की को बच के जाने नहीं दूंगा। वो आ रही है सिद्धि बाबा के मंदिर, ध्यान रहे, वो जिंदा वापस लौट के नहीं आनी चाहिए। आई डोंट नो, ये किससे बात कर रहे थे तुम? वीर, मैं नहीं जानती। आई डोंट नो, ये कौन है? वीर, तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ओ मैडम, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम ना यहाँ से निकल लो। नाउ यू गेट आउट। ये तो हमारा खसक गया ना, तो बजरंग बली की कसम धर देंगे तुम्हें कनपुरिया कंटाप। ये भी नहीं देखेंगे आदमी हो या औरत। नॉनसेंस। कृष्णा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। I hate you. I always hated you. उस दिन जब तुम मुझे अचानक छोड़ के चली गई थी ना, उस दिन से लेकर आज तक I hated you. जानती है क्यों शिवानी?
You know why? क्योंकि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। तुम हमें परेशान करने के लिए इसे कुछ कर रही थी ना, पर आज तुम्हारी वजह से हमारे वीर की जान जा सकती थी। मां कृष्णा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब आसानी से हो जाएगा, तुम्हारी शादी वीर से हो जाएगी, यू आर मिस्टेकन मिस कृष्णा। मैं तुम्हारी लाइफ का वो हाल करने वाली हूँ जो तुम सोच भी नहीं पाओगी। ये कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हमें कृष्णा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है वो, लेकिन वो सिर्फ कृष्णा नहीं है, ये राधे की पत्नी थी, ये राधे की विधवा है। इसका एक ससुराल है जो इसी समाज में रहते हैं। आपको क्या लगता है वो इस शादी को स्वीकार कर लेंगे? हाँ, डॉक्टर साहब, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। आपने सुना नहीं ना डॉक्टर साहब, कल जो मेहमान यहाँ से गए थे वो कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और आज जो बिना शादी देखे गए हैं वो कैसी बातें करेंगे। जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा, हमें एक बात बताइए, कल को आप दोनों जब बाहर निकलेंगे तो वो कितनी फिक्र कसेंगे? लेकिन माँ, चुटकी, माँ जो कह रही है सही कह रही है। समाज को, ये सोसाइटी को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जिंदगी को उससे कहीं ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से समझती है। अगर आपको लगता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती तो आप ये बात सोच समझ के कह रहे होंगे। वहां पर मेरा समाज, मेरी दुनिया, माई एवरीथिंग, वो सब आप हैं। अगर आपको मेरे और कृष्णा के प्यार पर विश्वास है ना, तो ये समाज, ये सोसाइटी, इनकी डिसीजन, इनकी फिक्रें, इन सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मां। मां कोई नहीं था जब पापा हमें छोड़ के चले गए थे, सिर्फ आप, मैं और छुटकी थे। और जो हुआ हमारे साथ हुआ, ये सोसाइटी, ये समाज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं बस आपसे जानना चाहता हूं, बिना किसी समाज के प्रेशर के, ये बिना किसी और प्रेशर के, मां दिल से, मैं बिल्कुल फ्री होकर आपको क्या कहना है कृष्णा के बारे में? हमारी शादी के बारे में मैं बस आप बताइए, मेरी और कृष्णा की शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत मक्कार है आप, बहुत मक्कार है। जाइए, हम आपसे नहीं बात करेंगे। जब भी हम ये सोचते कि आप बात समझ जाएंगे तो गुस्सा करके, नाराज होकर अपनी बात मनवा लेते हैं, और जब जब हम ये सोचते हैं कि आप बात मान जाएंगे, और जब भी हम ये सोचते हैं कि आप गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो ऐसे
ऐसे गोद में सर रख लेते बच्चों की तरह। अब वहीं खड़ी रहोगी, यहां नहीं आओगे हमारे पास? हमें चाची जी बन गए। थैंक यू सो मच माँ, आज आपने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा काम किया। और वैसे मंडप भी सजा हुआ है, बोलो तो नहीं कर लेते फिर? बाकायदा कृष्णा के घर जाएंगे, बाकायदा उसके बाबा से, उनकी बुआ जी से कृष्णा का हाथ मांगेंगे। ठीक है, फिर होगी शादी, समझे? मुबारक हो दी। हमने अपना आशीर्वाद तो दे दिया इन दोनों को, पर पता नहीं क्यों मन अभी भी घबरा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।